यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन चौकन्ना हो गया है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही अब कोरोना की जांच के बाद अब रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और एयरपोर्ट पर भी कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये अहम फैसले लिए गए। उधर पुलिस की तरफ से कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ने की वजह से हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग भी एनसीआर या दिल्ली क्षेत्र से आ रहे हैं या सेंसिटिव जोन से आ रहे हैं उनका सरकार के द्वारा निःशुल्क टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए आज से दो टीमें हमारी आसारोड़ी पे और एक टीम हमारी अभी तत्काल आज से काम करना शुरू कर दी है रेलवे स्टेशन पे, उसकी संख्या भी हम और बढ़ाएंगे। इसी प्रकार आईएसबीटी और एयरपोर्ट पे भी हमने टीमों की संख्या डिप्लॉयड कर दी है। तमाम जगह पर जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको एनफोर्समेंट करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इसमें अवेयरनेस के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। जो हमारे एसपी क्राइम है जिनको हमने नोडल बनाया है इसमें कोरोना एनफोर्समेंट के लिए, उनको बताया गया है कि जो भी मार्केट में इस तरह के प्लेसेस हैं जहाँ पर डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो गोले बनाए जाने हैं वो नहीं बने हुए हैं, वहाँ पर व्यापारी से बात करके इमीडिएटली गोले बनवाए जाएं।